नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र, धम्म लिपिकार। हम सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित इजाद की हुई धम्म लिपि, भारत की प्रथम लेखन शैली, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेखों की इस कड़ी में आज हम सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित चतुर्दश शिलालेख का भाग दो, जो देश में कई जगह स्थापित सम्राट अशोक के द्वारा किए गए थे, उसमें से देहरादून के पास कालसी में स्थित एक जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख का भाग दो हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक के द्वारा इस शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए, न केवल अपने राष्ट्र में बल्कि सम्राट अशोक की सीमा से लगे हुए 7 अन्य राष्ट्रों में भी चिकित्सा व्यवस्था, न केवल मनुष्यों की चिकित्सा बल्कि पशु चिकित्सा पर भी जोर दे रहे हैं, और उसकी दोनों की स्थापना के लिए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों आदि का रोपण भी करवाने का आदेश दे रहे हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख से हमको सम्राट अशोक की जन कल्याणकारी भावना से हम ओतप्रोत होते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा इस शिलालेख में अपनी जन कल्याणकारी भावना को व्यक्त किया गया है। हम इस शिलालेख की भाषा से यहां पर बखूबी समझेंगे। अक्षरशः हम इस शिलालेख को पढ़ते हैं, आइए। सवता विजीतसी देवानंग पियसा पियदसी सा लाजिने एचा अंता अथा चोड़ा पंडिया सतियोपतो केललपतो तंब पन्नी अंतियोगे नामा यौन लाजा। ये सारे सीमावर्ती राष्ट्रों के नाम है। चोड़ा चोल, पंडिया पांड्य, सतियपुत्तो केललपुत्तो, तंब पन्नी श्रीलंका। अंतियोगे नाम यौन लाजा, अंतियोगे राजा का नाम है यौन लाजा, यवन राजा, ग्रीस के राजा। ये चा अन्य तस्सा अंतियोगे सा सामंता लाजानो। यवन राजा के सीमावर्ती राज्यों में भी देवानंग पियसा पियदस्ती लाजने दुबे चिक्की सका। दो प्रकार की चिकित्सा स्थापित करने हेतु सम्राट अशोक कटिबद्ध है, कृतज्ञ है, दृढ़ संकल्पित है। कटा मनुष्य चिकित्सा, मनुष्य की चिकित्सा चा पशु चिकित्सा, मतलब मनुष्य चिकित्सा और पशु चिकित्सा। औषधीनी मनुष्य गो मनुष्योपगानी चा पशुपगानी चा अतता नथी सवता हाला पिता चा लोपा पिता चा एव मेवा मूलानी चा फलानी चा अतता नथी सवता हाला पिता चा लोपा पिता चा मगेसु लुखानी लोपितानी ओदुपनानी चा खाना पितानी पटी भोगाए पशु मुनि शानंग। यहाँ पर जो एक्चुअली ला उपयोग किया गया है, रा है, कालसी में ला को रा को ला उपयोग किया गया उस एरिया में उस समय। तो लोपा पिता रोपा, ऐसे लुखानी रुख रुख वृक्ष, ये शब्द यहाँ पे उपयोग किए गए हैं। आइए हम पढ़ते हैं। सवता सर्वत्र विजीतसी सवरत, मतलब जो क्षेत्र सम्राट अशोक के द्वारा जीता गया है, जिस भूभाग पर सम्राट अशोक के द्वारा शासन किया जाता है। देवानंग पियसा पियदसी सा लाजने, राजा देवानंग पियदसी पिये देवनाम पिय पियदसी राज के राजा के द्वारा जो क्षेत्र शासित किया जाता है, तथा राष्ट्र के सीमावर्ती राष्ट्र जो है चोड़ा पंडिया सतियपुत्तो केललपुत्तो तंब पर्णी अंतियोगे नाम यौन राजा, यौन एवन राजा का नाम भी दिया अंतियोगे। एचा अन्य तस्सा अंतियोग सा सामंता, मतलब अंतियोगी यवन राजा के भी सीमावर्ती लाजा लाजानो सबता देवान पियदसी ना लाजने
मतलब सम्राट अशोक ना केवल अपने राष्ट्र में बल्कि अशोक से लगे हुए सात अन्य राष्ट्र यहाँ पर ना दिए हुए हैं, चोड़ा, पंडिया, सतीपुत्तो, किललपुत्तो, तम्बपर्णी और यवन राजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक्चुअली यवन राजा से लगे हुए राष्ट्र का यहाँ पर नाम उल्लिखित नहीं है, उससे लगे हुए भी 7 से अधिक राष्ट्र यहाँ पर स्वयं के राष्ट्र में और लगे हुए सीमावर्ती राष्ट्रों में सम्राट अशोक दो प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं। इसमें पशु चिकित्सा और आपकी मनुष्य चिकित्सा, दो प्रकार की चिकित्सा पर जोर दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, औषधीनी मनुषोपगानी चा पशुपगानी चा अतता नथी सबता हालापिता चा लुपापिता चा, मतलब औषधीनी, औषधीय जितने भी पौधे हैं मनुष्य के उपयोग के लिए या पशुओं के उपयोग के लिए, जिस अतता नथी जिस एरिया में वो उपलब्ध नहीं है, सबता सब सर्व सर्वत्र हालापिता चा लुपापिता चा, वहां से जहां ये पौधे औषधीय पौधे उपलब्ध है जिस एरिया में, वहां से लाकर इन औषधीय पौधों को रोपा जाना चाहिए। एव मेवा मुलानी चा फलानी चा, मुलानी चा जड़ी बूटियां, फलानी फल चा अतता नथी जिस एरिया में वे नहीं है, नहीं लगे हुए हैं, उपलब्ध नहीं है, सबता हाला पिता चा लोपा पिता चा, जहां ये उपलब्ध है वहां से पौधे लाकर रोपे जाने चाहिए। मगेसु, मगेसु मतलब मार्गसु, लुखानी लुखन पौधे, वृक्ष, लोपितानी रोपा रोपना है, मार्ग पर भी वृक्ष रोपने की बात कर रहे हैं। औदुपानानी, औदुपानानी चा खना पितानी, मार्ग पर कुएं खोदने की, खनन करने की आदेश दे रहे हैं, खनन करने का आदेश दे रहे हैं। किसके लिए आदेश दे रहे हैं? पटी भोगाए, पटी भोगाए मतलब उपयोग के लिए, किसके उपयोग के लिए? पशु पशु मुनि सानंग, पशु और मनुष्य के लिए वृक्ष, सड़क किनारे वृक्ष और पानी के कुएं खुदवाने की आज्ञा दे रहे हैं इस राजाज्ञा में सम्राट अशोक, जिससे सम्राट अशोक में अशोक के कल्याणकारी राज्य में मनुष्य ही नहीं जीव जंतु भी सुखी निरोग रहकर अपना जीवन यापन कर सकें, निरोग रहकर अपना अमूल्य योगदान राष्ट्र को दे सकें। राहगीरों के लिए सड़क किनारे फलदार वृक्ष लगाने की बात कर रहे हैं, कुएं खुदवाने की बात कर रहे हैं, जिससे राहगीर सड़क को उपयोग करने वाले मनुष्य पशु वहां आराम से छायादार वृक्षों में लंबा सफर तय कर सकें, कुएं से अपने पानी लेकर अपनी प्यास बुझा सकें। इस तरह के जन कल्याणकारी योजना जो आज भी लोकतांत्रिक देशों में प्रचलन में है, इस तरह की योजनाएं आज से 2200-2300 साल पहले भारत की भूमि पर जन्मे महान सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में राजज्ञा के रूप में इस तरह के आदेश प्रसारित करके उसको पालन करने हेतु राजज्ञा जारी की थी। ये बड़ी ही विचारणीय और हमें गौरवपूर्ण, हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि तत्कालीन समय में आज से 2200-2300 साल पहले भी इस तरह के नागरिक बोध वाले राजा हमारे देश में जन्म लिए और उन्होंने नागरिक दायित्वों के प्रति कितना खासा उनका रुझान रहा है, नागरिक दायित्वों के प्रति कितने ज्यादा सजग रहे हैं, ये इस लेख से हम सीख सकते हैं। सम्राट अशोक चिकित्सा के प्रति कितने ज्यादा सजग हैं कि चिकित्सा, हर प्रकार की चिकित्सा पशु ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं को लिए भी सुलभ हो और जहां औषधीय पौधे जिस एरिया में उपलब्ध नहीं है, जहां वो जिस एरिया में उपलब्ध है वहां से लाकर हर क्षेत्र में रोपे जाने चाहिए और हर जगह पशुओं को और मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को समान रूप से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी, बहुत ही विस्तृत सोच के नतीजा है। सम्राट अशोक जैसे महान शासक हमारे देश में हुए और इस तरह की सोच उस समय के राजाओं में थी। आइए हम इस कालची शिलालेख भाग दो जो भाग मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी धम्मलिपि को आप पढ़िए, धम्मलिपि को लिखें, इसकी धम्मलिपि को लिखने के बाद इसकी धम्मलिपि के जो
अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान को भी आप विस्तृत रूप से इसको तैयार करें, लिखें अपने नोटबुक में, इसको एक एक अक्षर इसका लिखें, गहराई से अध्ययन करें। एक एक अक्षर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई राजाओं के छोटे से शिलालेख भी बहुत मायने रखते हैं। सम्राट अशोक के जैसे ढेरों शिलालेख हैं जिनमें उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का, राजाज्ञाओं का पालन करने हेतु अपने अधिकारियों, अपने अधीनस्थों को वो संबोधित करते हैं, और राजा क्या चाहते हैं अपने राज्य में उसका शिलालेख जन सुलभ के लिए पब्लिक के बीच में भी लगवाते हैं कि राजा की मंशा क्या है और राजा क्या चाहते हैं, जिससे अधिकारी के साथ साथ आपकी आम जनता भी राजा की सोच से, राजा की योजना से, राजा की जनकल्याणकारी भावना से सभी विग्रह सभी उनकी योजना से प्रति योजना जाने और उसका लाभ ले सके। इसको सीखिए, लिखिए, फिर मिलेंगे दोस्त हम अगले शिलालेख में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।